आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन रूस के निशाने पर, नाटो फिर बन सकता है विवाद की बड़ी वजह। तिरुमला मंदिर में भगदड़, 3 लोग जख्मी। बंगाल में उपचुनाव के दौरान हिंसा, आसनसोल में भाजपा प्रत्याशी पर हमला। झारखंड के देवघर में आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन, अचानक रस्सी टूटने से जमीन पर गिरी महिला। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 33 सीटों पर जीती बीजेपी, सपा का नहीं खुला खाता। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं इस चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुल पाया, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। जौनपुर से बीजेपी के ब्रजेश सिंह, प्रिंसू रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और बहराइच से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी चुनाव जीत गई है, जबकि देवरिया से बीजेपी के रतनपाल सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह की जीत हुई है। तो 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों में 3 की किस्मत चमकी है, 3 की जीत दर्ज हुई है। आपको बता दें कि 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी ने जीत दर्ज करी, तो वहीं 33 सीटों पर, 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई। आपको बता दें कि 9 निर्विरोध जीत दर्ज करी बीजेपी ने, 3 अदर के पास गई है और बाकी सीटों पर, यानी कि 27 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें से 3 सीटें अदर के पास, बाकी सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। बलिया, फर्रुखाबाद, झांसी, बहराइच, जौनपुर, रायबरेली, देवरिया, लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, प्रयागराज में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। वाराणसी से अन्नपूर्णा सिंह, जिनकी अदर यानी निर्दलीय प्रत्याशी थी, उनकी जीत हुई है। खबर अयोध्या से है, जहां कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुई बर्बरता को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में अभी सियासी बयानबाजी थमी नहीं थी कि अब फिल्म निर्माताओं की नजर अयोध्या की फाइल पर भी है। देश विदेश इसमें विवाद से पहचाने जाने वाला उत्तर प्रदेश का अयोध्या अब हिंदुओं के गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अखाड़ा के महंत और मौजूदा समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास, रामलला के सहायक पुजारी प्रदीप दास भी इस मौके पर सत्य धाम गोपाल मंदिर में मौजूद है। इस फिल्म के लेखक निर्देशक एल कांतेश ने बताया कि हमारे सामाजिकता के मूल्यों को हम समझाते नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि राम की डेफिनेशन की हम क्या व्याख्या करें, मेरा मानना है कि राम के जितने भी रूप है वो समाज के लिए प्रेरणादायी है और समाज को उसे सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। अगले महीने इस फिल्म के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले अभिनेता नहीं होंगे, ऐसे होंगे जो बच्चों के मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ेंगे। हमारे जो सामाजिक मूल्य है वो इतने कम होते जा रहे हैं कि जैसे कि हम मतलब आधुनिकता को समझते भी नहीं हैं और उसमें डूब जाते हैं। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता है जो हमारी, उसमें राम का जो अस्तित्व है, जो समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हम जिनकी प्रेरणा से बड़े हुए हैं, जिनकी कहानी सुन के बड़े हुए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जो खो रहा है कहीं, तो हम समाज में उसको जो है ना एक प्रयास कर रहे हैं कि उस परिभाषा को फिर से गढ़ने की कोशिश की जाए और नए जो इस नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनमें राम के जो चरित्र के बारे में कुछ फिर से जो है शुरुआत हो।
बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि राम का जन्म है और राम का अवतार किस लिए हुआ, गोद धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जिस रूप में भगवान राम का अवतार हुआ राक्षस का विनाश करने के लिए, वैसे आज के दिन में जो भी कार्य होगा वह पूर्णतया सफल होगा। और जैसे राम का आदर्श है उसी प्रकार से इसके माध्यम से राम का शासकीय धनराशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के बाद 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। इसमें 2 पवासा ब्लॉक के हैं जबकि 1 जुनावई ब्लॉक का है। निलंबन की अवधि में विकास खंड मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। निलंबित की अवधि से विकास खंड मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत बिस्पुरी विकासखंड पवासा में शौचालय निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव थे वहां के कपिल कुमार और गौरव कुमार को निलंबित किया गया है तथा वहां के ग्राम प्रधान और सचिवों से वसूली के आदेश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए हैं। इसके अतिरिक्त एक ग्राम पंचायत हैदराबाद है विकासखंड जूनाबाई में, वहाँ पर पंचायत भवन निर्माण में अनियमितताओं पर वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव अक्षय कुमार, ग्राम प्रधान और वहाँ के अवर अभियंता जिन्होंने उसकी एमबी की थी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए हैं। खबर जनपद चंदौली से है जहां 1 अप्रैल से सरकार द्वारा गेहूं खरीद यूपी के सभी जनपदों में क्रय केंद्रों पर शुरू कर दी गई है। वहीं जनपद चंदौली के क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय करने पहुंचे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी और FCI क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान अन्नदाताओं ने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए बेरंग वापस लौटना पड़ा। किसानों ने बताया कि हम कई दिनों से क्रय केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं, ना तो टोकन मिल पा रहा है और ना ही हम गेहूं बेच पा रहे हैं, ऊपर से इस चिलचिलाती गर्मी में हाल बेहाल है। उन्होंने डिप्टी RMO पर खरीद में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम गेहूं विक्रय को क्रय केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं और किसानों का गेहूं खरीद करने के बजाय डिप्टी RMO के आदेश पर कुछ विशेष लोगों की खरीद पहले ही की जा रही है। गेहूं बेचने के लिए हम लोग नंबर लगा 1 तारीख से और यहाँ अभी तक नंबर चस्पा नहीं हुआ, ना टोकन मिल रहा है। बात करने बोला कि आप गेहूँ गिराइए तौल जाएगा, डिप्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं गेहूँ गिराइए तौल जाएगा, और यहाँ जो विभागीय अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ हम लोग पास बोरा नहीं है, हम लोग तौले हैं कहाँ, आप लोग गिराइए, आप लोग उसको गोरिए, आप उसकी व्यवस्था आप लोग करिए। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? यहाँ पूरे विभाग की लापरवाही है, पूरा विभाग एक दूसरे पर फेंक रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्या चाहते हैं? यहाँ से सही ढंग से तौलो, किसान यहाँ अपना गेहूँ गिराएं, तौलवाएं, अपना जो है उसका मूल्य पाएं। जनपद में गेहूं क्रय का इस सीज़न में 83,000 MT का लक्ष्य है और जो हमारे 40 केंद्र हैं जो कि संचालित हो गए हैं, इन सभी केंद्रों पर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, साथ ही उनकी आवक के अनुसार जो है तौल कराई जा रही है। इस संबंध में सभी तहसीलदार SDMs जो कि तहसील के खरीद प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि एक हेल्प डेस्क डेवलप करें। मंडी में भी एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अभी तक यहाँ लगभग 1,000 किसानों ने अपने कागज जमा किए हुए हैं और उनकी आवक के अनुसार उनको 4 क्रय केंद्र जो संचालित हैं यहाँ पर उनको आवंटित किया जा रहा है। साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय नीति के अनुसार जो है सभी किसानों का। वहीं अब खबर अलीगढ़ थाना जुवा क्षेत्र के ग्राम आलमपुर शुकबरा से है जहां पे दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगों के डर से एक परिवार मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। इस दौरान पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पड़ोसी शराब पीकर मारपीट करते हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही दबंगों ने पीड़ित के घर से गहने और नकदी चोरी किए थे। वहीं आरोपियों ने खुलेआम परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जबकि पुलिस इस मामले पर मूक दर्शक बन खड़ी रही, जिसके बाद अब पीड़ित पक्ष ने SSP कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। हमला किया था, हमने अपने स्कूल के सच्चे आदमी हैं और ये हैं दबंग आदमी। अच्छा, यानी कि यहाँ पुलिस बैठती है, ये समझते हैं कि हमारी पुलिस जो घर की है, तो इस चक्कर में ये पहले हमारे यहाँ चोरी करा दी थी। अच्छा, 2 साल पहले। उसके बाद में एक मैटर बन गया था, हमारे घर के जो बच्चे बच्चे और सबकी पीटपाट कर दी। दत्तवादी ने धमकी लगाई, दोनों पार्टियों को बंद करूंगा, तो उसके बाद में उन्होंने फैसला करा दिया था।
उसके बाद हम बोले दरोगा जी हमसे बोले कह जी सबूत दिखाइए तुम्हारे घर में कहीं पत्थर पड़ रहा है, तो हमारे पास सबूत क्या था कुछ नहीं। तो दरोगा जी बोले दोनों पट्टी को बंद कर। उसके बाद में हम बोले मैंने किसा आज मैंने कि आज के बाद में जब आएंगे हमने मन में सोची अपने में मैंने किसा हम कैमरा लगवा लेंगे अपने तो कहते कम से कम हम सुरक्षित देंगे। तो अब सब हम जब कैमरा लगवा दिए उसके बाद में अब इन्होंने कैमरा तोड़ दिया, अब ये कहते काट देंगे फावड़े से और गोली बरवा देंगे। खबर औरैया से है जहां दिव्यापुर मधवापुर से इटावा जा रहे पति पत्नी के साथ कुछ अज्ञात दबंगों ने बेल्टों से जमकर मारपीट की और मारपीट के दौरान दंपत्ति से लूटपाट भी की गई, जिसके बाद पीड़ित ने बताया कि वो अपनी ससुराल मधवापुर से इटावा जा रही थी। सीएनजी पेट्रोल पंप के पास जमोली बंबा रोड पर करीब आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने उनके ऑटो को रोक लिया और उनके साथ जमकर मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताने आना पड़ा हम लोग ऑटो से आ रहे थे, रास्ते में तीन चार लोग मिल गए लड़के, वो गुंडे थे और उन्होंने आगे से टेम्पुआ रोक ली, जबरदस्ती उसमें घुस गए और घुस के इन लोगों से कहा चलो वहाँ तक ले चल, इन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं ले जाएंगे हम उधर जा रहे हैं अभी इटावा, इटावा हमारा घर है गाँव पड़ता है वो रहता है और कानम को इन लोगों को मारने लगे जबरदस्ती कि तू क्यों ले जाएगा साला है तू अभी अभी हम उनको मार के आए अभी तुझे भी मारेंगे बहुत और कानम एक दो तीन लोग इनमें लग गए मारने लगे घुस गए बेल्ट वेल्ट उतार ली बेल्ट वेल्ट से मारा और कानम मुझे देख दो लग गए उन्होंने सारी चीज़ भी छीन ली और बेल्टों से भी मारा है बहुत बुरा। और दूसरा मामला ये है कि एक ऑटो पर सवार होकर के एक दिल के पास के रहने वाले एक परिवार जो मधवापुर में अपने रिश्तेदार के वहाँ आए हुए थे वापस जा रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार तकरीबन पांच लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो गए और पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस सघनता से उनकी छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के बाद फैले धुएं में फंसकर एक परिवार की दो साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं हादसे के वक्त पर घर में सो रही मां और दूसरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार घर में सो रहा था और उनको इस बात की भनक तक नहीं थी। वहीं घर में धुआं निकलता देख पड़ोसी मदद के लिए आगे आए और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिलने पर नीचे से सीढ़ी लगाकर बालकनी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। सर ये 3B 114 टावर 4 में फ्लैट है, इसमें ऊपर वाला फ्लैट जो है अरुण जी का, अरुण शर्मा जी का। 5 बजे करीब मेरे पास फोन आया अरुण शर्मा जी का, मैं राजनगर एक्सटेंशन में था जी, उनका फोन आया कि भैया नीचे से धुआं आ रहा है मेरे फ्लैट में। मैंने तुरंत ही सारी टीम को अलर्ट करा और तुरंत मैं भी भागा, 5 मिनट 4-5 मिनट लगे होंगे मैं यहाँ आ गया और हमने यहाँ सीढ़ी लगा के दरवाजा हमने किसी की नहीं सुना, हमने जैसे धुआं दिख रहा था मैंने दरवाजे तुड़वाई बारी से कटर से काटे, अंदर गए तो देखे तो पैर दिखे लेडीज के, हमने तो उन्हें बाहर निकाला। इतने में एक टावर टू में को जानने वाली रहती है भाभी जी रहती है, उन्होंने बोला कि दो बच्चे और होंगे अगर लेडीज हैं, तो हमने वो अंदर देखा दो बच्चे और थे, हमने वो तुरंत उतारे तो मैं अपनी गाड़ी से तुरंत संजय नगर वाले हॉस्पिटल ले गया, यशोदा, हाँ यशोदा ले गया, यशोदा में जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाया। उसमें एक बच्ची 2 साल की जो बेटी थी वो एक्सपायर होगी और एक बेटी अभी ठीक है। इंसान की जान की रक्षा करने वाले डॉक्टर को धरती पर भगवान कहा जाता है, लेकिन महाराजगंज से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने धरती पर कह रहे भगवान को कलंकित कर दिया है। दरअसल ब्रिजमनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास कुआडारी में एक डॉक्टर जिसके पास ना डिग्री है और ना ही रजिस्ट्रेशन है, जो मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक करने का दावा करता है जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसी तरह जिले में दर्जनों फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
संभल के थाना इलाके राजपुर गांव के जंगल में तालाब से 5 दिन पहले लापता बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना पर बहजोई थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान बहजोई थाना प्रभारी विकास सक्सेना ने बताया कि जिस बुजुर्ग का शव मिला है ये पिछले 5 दिनों से लापता था और पुलिस भी बुजुर्ग की तलाश कर रही थी। आगे थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। राजपुर ग्राम के निवासी जागर उम्र 50 वर्ष का शव गांव के बाहर तालाब में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। शव पर कोई जहरा चोट के निशान नहीं है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।